हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं विष्णु सर, और आज फिजिक्स फाउंडेशन क्लास में हम लेके आए हैं सुपर कॉन्सेप्चुअल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय नीडल ऑफ कंपास। सीबीएसई वाले हैं जो उनके हैवी फाउंडेशन वाले जो कोर्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यह है, और कई बुक्स में यह है कई बुक्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना जरूरी है क्योंकि इससे बेस्ट न्यूमेरिकल एग्जाम में हमें मिल सकता है और मिलता भी है, चांसेस भी है पूरे पूरे मिलने के। ठीक है, तो देखो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो इसी से रिलेटेड होगा, पोटेंशियल ऑफ इन मैग्नेटिक फील्ड स्थितिविरुद्ध चुंबकीय क्षेत्र में। तो उसके दोनों टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखिएगा वीडियो पूरा पूरा देखिए, साथ ही यदि आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप नोट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे, आसानी से आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपको याद भी आ जाएगा, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में। यह हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है बी, और इसमें एक कंपास रखा हुआ है ऐसे, जिसकी निडल ऐसे है सुई, जो हमारा कंपास होता है ना जो दिशा बताता है हमको, वो जिसका नॉर्थ एंड है इस साइड और जिसका साउथ एंड है इस साइड। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट चुंबक के आघूर्ण की दिशा होती है इस साइड, स्मॉल एम के लिए, नॉर्थ टू सॉरी साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और इसने एंगल बना रखा है यहाँ पे थीटा, कितना एंगल बना दिया है, थीटा एंगल बना दिया है। ठीक है, तो ये घूमने की कोशिश करेगा, क्यों, क्योंकि हमेशा कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन में ही मुड़ने की कोशिश करती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव करती है। तो ये किस तरीके से घूमने की कोशिश करेगी, अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग उसके साथ उसके अनुदिश घूमने की कोशिश करेगी। तो जब ये घूमने की कोशिश करेगी इसका मतलब इस पर लगेगा बल आघूर्ण टॉर्क। तो इसके ऊपर जब टॉर्क लगेगा तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा एम वी साइन थीटा, एम वी साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। अब देखो ये थोड़ा सा और आगे चलता हूं मैं, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा बहुत छोटा हो, देन साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, देन टाउ इज इक्वल टू हो गया एम वी थीटा। आपको वीडियो में जब क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको लेक्चर के साथ में म्यूजिक भी सुनाई दे रहा होगा, पड़ोस में ही जो है मैरिज गार्डन है, शादियों का सीजन है, उस वजह से साउंड बहुत तेज है, तो क्लास थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी होता है। अब हमने टॉपिक स्टार्ट किया तो ये हम कंप्लीट करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से और फोकस कर जो है क्लास अटेंड करिएगा। ठीक है, आइए देखिए, इक्वेशन नंबर वन, जब कंपास की सुई इधर आने की कोशिश करेगी तो सही, लेकिन कंपास की सुई को अपने डायरेक्शन में लाने के लिए पहले वाली जगह ले जाने के लिए इसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण लगेगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो इसकी पोजीशन में चेंज का अपोज करता है, जो इसकी सिचुएशन है, जो इसकी स्थिति है उसमें परिवर्तन का विरोध करता है, उसको बोलते हैं हम क्या, ध्यान से देखिएगा, जब ये अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है तो उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो इसको वापस अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये अपनी जगह है, या ये अपनी पोजीशन में चेंज करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन करे। तो इसकी स्थिति में जब भी परिवर्तन होगा, इसकी पोजीशन में जब भी चेंज होगा, तो एक टॉर्क और लगेगा जिसको वापस पहले जैसे अपनी स्थिति में लाने के लिए इस पर लगेगा, एक्ट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे टाउ रिस्टोरिंग, प्रतिक्रिया बल आघूर्ण भी बोल सकते हैं उसको। और ये जो रिस्टोरिंग है इसका फॉर्मूला हमेशा होता है आई अल्फा, आई अल्फा। अब यहां पे आई क्या, सबसे पहले मैं ये बता दूं, आई यहां पे है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर। जिस तरीके से हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा है, आपने सबने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ जो है जड़त्व का पहला नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी ही स्थिति में रहता है, अपनी पोजीशन में रहता है जब तक वो उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स अप्लाई करके उसकी स्थिति बदलनी ना जाए। मतलब
कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ही पोजीशन में रहेगा जब तक कि आप उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाए। यदि वो रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, यदि वो मोशन कर रहा है, चल रहा है, तो वो चलता ही रहेगा। आपको यदि उसकी स्थिति बदलनी है, उसकी पोजीशन बदलनी है, उसकी सिचुएशन बदलनी है, रुके हुए को चलाना है, चलते हुए को रोकना है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा अपोज करता है जब उसकी सिचुएशन उसकी पोजीशन में चेंज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़त्व या इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात तब होती है जब हम लीनियर मोशन की बजाय हम सर्कुलर मोशन करें, रेखीय गति सीधे डायरेक्शन में गति करने के बजाय गोल गोल गति करें, तब जैसे साइकिल का पहिया, तब भी ऑब्जेक्ट अपने सिचुएशन में अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करता है और उसी अपोजिशन को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी वजह से वो अपोज करता है, सॉरी उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। कोई भी गोल घूमती हुई चीज, घूर्णन करती हुई वस्तु, खुद गोल नहीं, घूर्णन गति करती हुई वस्तु जब भी अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, अपोज करती है चेंज इन सिचुएशन का, पोजिशन का, तो वो करती है जड़त्व आघूर्ण की वजह से। फिलहाल इतनी बात करेंगे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, आइए हम अपने इस पे बात करते हैं। बात करते हैं अल्फा की। अल्फा यहां पर है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं सब कुछ लिख देता हूं यहां। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा रिवर्ट में। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यदि आप जो डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वाई के रेस्पेक्ट में ले रखे तो वाई, मैंने भी थीटा के रेस्पेक्ट में लिया है, तो यहां पे मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा थीटा। तो आइए हम यहां बात करते हैं इक्वेशन नंबर टू। अब देखो, इन बैलेंस कंडीशन साम्य अवस्था में जितना टॉर्क, जितना बल लागू इसमें आगे की साइड लग रहा है, उतना ही बल लागू इसमें पीछे की साइड लग रहा है, तभी अपनी सिचुएशन में रहेगा। जितना बल लागू इसको चुंबक के क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, उतना ही बल लागू इसको वापस अपनी स्थिति में ले जाने का प्रयास भी करेगा। जितना टॉर्क इसको मूव करवाएगा अलाइन टू मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड, उतना ही टॉर्क इसको वापस रिस्टोर करने में भी काम आएगा, उतना ही टॉर्क इस पर एक्ट करेगा ताकि ये रिस्टोर हो सके, मतलब इसकी सिचुएशन ना बदले। तो इन बैलेंस कंडीशन टाउ इक्वल टू टाउ रिस्टोरिंग, और जो टाउ है ये हमारा फॉर्मूला है एम बी थीटा, और टाउ रिस्टोरिंग फॉर्मूला है आई अल्फा। तो एम बी थीटा इक्वल टू आई की जगह आई रखिए, अल्फा की वैल्यू ये लीजिए, थीटा वाली है ना, इसके लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा एक बात हो, इसका डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं है। इसका डायरेक्शन टाउ का डायरेक्शन इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाने का प्रयास करता है, ट्राई करता है कि मैग्नेटिक फील्ड में है, और टाउ रिस्टोरिंग का जो डायरेक्शन है वो ट्राई करता है कि वापस पहले वाली सिचुएशन में जाए, मतलब दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं। तो जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो मैं यहां पे लगा देता हूं माइनस, कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, माइनस है, तो मैं यहां पे भी लगा देता हूं माइनस। Then m b theta is equal to minus minus plus हो गया, formula हो जाएगा i omega square theta, theta से theta cancel कर दीजिए, value हो जाएगी m b i omega square। अब देखिए, यदि ये एक चक्र पूरा कर ले, एक revolution कर ले, तो time period आवर्त काल टाइम पीरियड और आवर्त काल का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, देन t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो यहां पे रखिए एम बी, ओमेगा की वैल्यू में यहां से निकालो तो कितनी हो जाएगी 2 पाई अपॉन t, आई की जगह आई, ओमेगा की वैल्यू रखिए 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई का स्क्वायर कर रहा हूं मैं ना, नीचे आ जाएगा t स्क्वायर। हमें वैल्यू चाहिए b की, मैग्नेटिक फील्ड की, तो देन b इज इक्वल टू वैल्यू जाएगी हमारे पास 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम, साथ में आ जाएगा टी स्क्वायर, एम नीचे आ जाएगा और बाकी वैल्यू ऐसे कैसे, तो बी की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की, टी की, टी को मैं ऊपर ले आता हूं तो मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर आई एम बी,
टी स्क्वायर है यहाँ पे देखिए, तो टी इक्वल टू बच जाएगा हमारे पास 4 का रूट होता है 2 पाई का रूट होता है, मतलब जैसे ही यहाँ पे टी स्क्वायर बजाय टी करूंगा यहाँ पे आ जाएगा रूट और ये हो जाएगा 2 पाई आई अपॉन एम बी, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया है। तो हमें टाइम पीरियड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो हमें आई की जरूरत पड़ेगी, एम की जरूरत पड़ेगी, बी की जरूरत पड़ेगी, तो हम टी निकाल सकते हैं और टी है तो बी निकाल सकते हैं। तो ये है आपका कॉन्सेप्चुअल जो है एक टॉपिक, क्यों मैंने ये इसलिए बताया आपको क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं और हमारा दिमाग जो है खराब हो जाता है, तो खराब नहीं करना है, डेरिवेशन समझ में आती है तो आपको न्यूमेरिकल भी समझ में आएगा, समझ गए मेरी बात। इसके अलावा हम टारगेट लेके चल रहे हैं स्टूडेंट 100 व्यूज का, एग्जाम टाइम आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स का फायदा हो सके। तो इसलिए हमने जो है टारगेट ले रखा है कि 100 व्यूज का, ये टारगेट हम पूरा नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है सारे दिन कोचिंग क्लासेस स्कूल कॉलेज इन सबसे, और बाद में लेट नाइट हो जाता है क्योंकि वीडियो आपके लिए भी बनता है, 12th क्लास के लिए भी वीडियो बनता है, एयरफोर्स नेवी फिजिक्स के लिए भी, और एक वीडियो बनता है हमारा कॉम्पिटिशन मैथ्स के भी, तो इतनी वीडियोस बनाने के बाद इतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उन्हें सजेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोग जो है वो जुड़ सके ताकि वो देखे उन्हें फायदा हो, फिजिक्स उन्हें आसान लगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो भी जानकार रिलेटिव्स वगैरह जो भी कॉम्पिटिटिव मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन्हें रेलवे की एसएससी की एनटीपीसी पुलिस पटवारी इनकी मैथ्स पढ़नी है, तो उन्हें भी आप हमारे यहाँ पे चैनल सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मैथ्स पढ़ाई जाती है बेसिक टू हाई लेवल, अकॉर्डिंग टू वैकेंसी नहीं, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, मतलब आपको रेलवे की कोचिंग अलग नहीं करनी पड़ेगी, एनटीपीसी की अलग नहीं करनी पड़ेगी, एसएससी की अलग नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ आपको मैथ्स का टॉपिक पढ़ाया जाएगा बेसिक लेवल से हाई लेवल तक, उस सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा जो एसएससी में भी आते हैं जहाँ हाई लेवल मैथ्स आती है, पुलिस में भी आते हैं जहाँ लो लेवल मैथ्स आती है, मतलब ऑल इन वन कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर, तो आप उन्हें भी सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित युद्ध। पोटेंशियल एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, चलो एक क्वेश्चन की बात की जाए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, चुंबक के क्षेत्र में चुंबकीय बल लगेगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये जो फोर्स है वो संरक्षी बल है या असंरक्षी बल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारे एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जा चुका है, तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूं, ठीक है। आइए बात करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। पोटेंशियल एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, इसे कंपास की सुई की बात करते हैं कि ये सुई जो है निडिल जो है कंपास की जो निडिल है वो ऐसे पड़ी हुई है और ये ऐसे घूम रही है, अभी एंगल बना हुआ है थीटा एम और बी का, क्योंकि इधर नॉर्थ है और ये साउथ है, एम का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण का डायरेक्शन होता है नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, तो ये ऐसे घूम रही है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में लाना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाना है, अलोंग टू मैग्नेटिक फील्ड लाना है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क इज इक्वल टू ऑपरेशन होता है टाउ डी थीटा, तो इसको घुमाने के लिए बल लागू की जरूरत पड़ेगी, टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, अभी अपन ने डिस्कस किया था जस्ट प्रीवियस टॉपिक में, और टाउ का फॉर्मूला होता है एम बी साइन थीटा। मान लो आपने एंगल चेंज कर दिया थीटा वन से थीटा टू तक, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी थीटा, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू एम बी
और साइन थीटा का जो है इंटीग्रेशन होगा माइनस का कोस थीटा, थीटा वन से थीटा टू तक, देन डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस को मैं बाहर ले लेता हूं एम बी, और यहां पे लिख देता हूं कोस थीटा वन, सॉरी कोस थीटा टू माइनस कोस थीटा वन। पहले अपर लिमिट लिखी जाएगी, बाद में लोअर लिमिट लिखी जाएगी, फाइनल लिमिट इनिशियल लिमिट, अंतिम जो लिमिट है वो प्रारंभिक लिमिट है। जो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम बी कोस, जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा प्लस, ये माइनस यहां से हट गया है तो प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूं कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू। देखो इफ थीटा वन जीरो डिग्री हो, जीरो डिग्री से आप मूव करवा रहे हो, या तो इधर से ऐसे मूव करवा रहे हो, जो भी जिस भी तरीके से आप इसको मूव करवा रहे हो, थीटा जीरो को मतलब ये पहले से चुंबकीय क्षेत्र के अलोंग है, अनुदेश रखी हुई चुंबकीय क्षेत्र के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, फिर भी आप इसको घुमा कैसे रख रहे हो, तो मतलब आप अबकी बार एंगल चेंज कर रहे हो, तो एंगल चेंज कर रहे हो तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जाएगा एम बी कोस थीटा वन की जगह लिख देता हूं मैं कोस जीरो, और यहां पे लिख देता हूं कोस थीटा टू के वैल्यू में थीटा ही लिख देता हूं। मान लो यहां से आपने घुमा के ऐसे रख दिया इस तरीके से, तब कितना होगा गणना हो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू जाएगा एम बी कोस जीरो की वैल्यू की वन एंड कोस थीटा, तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की स्थिति ऊर्जा की, कार्य के बारे में आपने लिख लिया है नोट कर लीजिए, क्योंकि अब स्थिति ऊर्जा कराऊंगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको अलग अलग पता होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं रफ करता हूं, तो देखिए स्थिति ऊर्जा की डेरिवेशन बहुत आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। स्थिति ऊर्जा के लिए क्या है, आप एंगल की वैल्यू मत लीजिए थीटा वन से थीटा टू तक जीरो से ऐसे करके, अब जो हमेशा किया गया कार्य वो स्थिति ऊर्जा होता है, ठीक है। मैं यहां लिख सकता हूं ऐसे किया गया कार्य क्या होता है, स्थिति ऊर्जा होता है। आप ये सोचेंगे समय पहले थीटा वन थीटा टू क्यों बताया, फिर आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के दे रहा हूं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं, थीटा वन में एक वर्क डन अलग निकालो, थीटा टू में एक वर्क डन अलग निकालो। मान लो थीटा वन इस कंडीशन में रखने के लिए आपने कोई कार्य किया, फिर आपने इसको ऐसे घुमाने में कोई कार्य किया, दोनों में कार्य हुआ ना, वो वर्क डन टोटल वर्क डन, वो जो टोटल वर्क डन हुआ इसको ऐसे रखने में और ऐसे रखने में, वो दोनों वर्क डन का जो सम का जो योग है दोनों कार्य का, वो कुल स्थिति ऊर्जा होगा। तो आपको दो बार अलग अलग वर्क डन निकालने पड़ेंगे, तो अलग अलग वर्क डन निकालने के बजाय एक काम करते हैं हम लिमिट हटा देते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सों में आती है, कंजर्वेटिव फोर्स संरक्षी बलों में ही स्थिति ऊर्जा होती है। किया गया कार्य हमेशा स्थिति ऊर्जा में बदलता है, तो U इक्वल टू हो जाएगा एम बी माइनस का कोस थीटा, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दिया मैंने, और U इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम बी कोस थीटा, ये स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला आ गया है। कार्य और स्थिति ऊर्जा में फर्क समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन एग्जाम में इससे रिलेटेड जो पूछा जाता है वो देखिए। केस फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, जब कोस जीरो की वैल्यू वन होगी तो एम की वैल्यू यू की वैल्यू जाएगी माइनस एम की, यू की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब जहां ये पड़ा हुआ है वहां से हिलाने के लिए भी आपको ही कार्य करना पड़ेगा, आपको ही एनर्जी देनी पड़ेगी, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इसका मतलब ये वही रहेगा और वही पड़ा रहेगा, इसका मतलब ये कंडीशन होगी स्टेबल कंडीशन, स्थायी संतुलन। केस सेकेंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, कोस 90 की वैल्यू जीरो होती है तो यू इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा जीरो। केस नंबर थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री देन कोस 180 की वैल्यू होती है माइनस वन, अब यू की वैल्यू हो जाएगी प्लस का एम बी, इसके पास प्लस की एनर्जी है, मतलब इसके पास एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो आप इसको जिस कंडीशन में रखेंगे वो वहां भी नहीं रुकेगा, उसकी कंडीशन चेंज हो सकती है, तो इसलिए यह है अनस्टेबल असंतुलित अवस्था या अस्थायी अवस्था, अस्थायी संतुलन कुछ भी कह सकते हैं।
एग्जाम में इन चीजों के बारे में बहुत मेंशन करके देता है कि स्टेबल कंडीशन में तो इस पोटेंशियल एनर्जी निकालो या वर्क निकालो, या अनस्टेबल कंडीशन में तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो या वर्क निकालो। बहुत जरूरी चीज थी इसलिए मैंने इनको यहाँ पर शामिल किया है, क्योंकि क्वेश्चन जो आने वाले हैं हमारे जो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो यहाँ से आने वाले हैं, ना कि एंगल देख के आएंगे। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप और नेचर ऑफ मटेरियल पढ़ने वाले हैं। दिक्पात कोण, नति कोण और चुंबकीय पदार्थों का जो प्रकार है वो पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्लासेज होने वाली है अगली दो क्लासेज। इतना अच्छा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो अगली दो क्लासेज मिस मत करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना यदि आपने वीडियो इंजॉय किया है तो, और यदि आपने वीडियो एंजॉय नहीं किया है, आपको लगी है कुछ कमी है, हम नहीं सीख पाए, सर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और राय दीजिए कि इसमें क्या चेंज करना है। ठीक है, हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटो है आपकी सुविधा के लिए आपके जैसा काम करते हुए आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।